नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा बहुत ही शानदार और नया प्लान आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जिसका नाम है स्टार हेल्थ प्रीमियर प्लान। ये रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, कंपनी ने अभी लॉन्च किया है। इस प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जल्दी से बिना कोई समय वेस्ट किए इस प्लान के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपकी इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कौन लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। 50 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 50 साल से लेके किसी भी एज का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 50 साल इज द मिनिमम बेंचमार्क। अगर हस्बैंड की एज 50 साल है और वाइफ की एज 48 साल है, 45 साल है, तो भी वाइफ को इसमें कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर हस्बैंड की एज या वाइफ की एज 50 साल नहीं है, दोनों में से किसी की भी एज 50 साल से कम है, तो इस पॉलिसी को नहीं दे सकते। इसका खास ध्यान रखिएगा। इसका बेनिफिट भी मिलेगा अगर कोई यंगर एज की एज लेडी इस पॉलिसी में कंसिडर की जाती है, तो भी इसमें अलग से डिस्काउंट भी मिलेगा, उसके बारे में भी आपको आगे बताऊँगा। आगे बात करें चाइल्ड एज की, तो 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक इस पॉलिसी में बच्चे कवर है। एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड इस पॉलिसी में कवर किए जा सकते हैं। रूम रेंट की बात कर ले तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में लिमिट रहेगा रूम का, और मैक्सिमम रूम 20,000 रुपये तक का ले सकते हैं। आईसीयू रूम की कोई कंडीशन नहीं है, आपका जितने का भी आईसीयू रूम का खर्चा होगा टोटल एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा, डॉक्टर फीस, दवाइयों का खर्चा या कोई टेस्ट वगैरह, वो सब कुछ कवर होगा। अगर एक दिन एडमिट होते हैं तो 60 दिन पहले का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 90 दिन बाद का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स आप हमें दे सकते हैं, वो सारे पैसे कंपनी रीइंबर्स करा सकते हैं। आगे बात कर लें, यहाँ पर रिस्टोरेशन जेन्युइन है दोस्तों। 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस आराम से मिलता है, 20 लाख के साथ 20 लाख एक्स्ट्रा फ्री मिलता है, और 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ का इंश्योरेंस फ्री मिलता है। यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर है, और पार्शियल सम इंश्योर्ड भी यूज होगा, उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हैं। 100% एग्जॉस्ट होने की कोई भी कंडीशन नहीं है, जेन्युइनली अच्छा और बढ़िया ऑप्शन है। इंश्योरेंस की बात कर ले, मिनिमम सम इंश्योर्ड यहाँ पर 10 लाख मिलता है, और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड यहाँ पर आप ले सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 10, 20, 30, 50, 75 और 1 करोड़, ये 6-7 सम इंश्योर्ड, 6 सम इंश्योर्ड पॉलिसी में अवेलेबल है, जो कि जेन्युइनली अच्छे और बढ़िया है। स्पेसिफिक ऑपरेशन नीड की बात कर ले दोस्तों, कि अगर कोई भी आपका स्टोन है, कैटरेक्ट है, हर्निया है, रसौली है, पाइल्स है, इसका कोई सर्जरी कराना है जो स्पेसिफिक डिजीज के अंदर आते हैं, तो पहले 2 साल इसका वेटिंग पीरियड रहेगा, जो सभी कंपनीज में रहता है यहाँ पर भी रहेगा। बेस्ट पार्ट, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात कर ले, पुरानी बीमारी के बारे में बात कर ले, बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, ऐसी किसी को कोई पहले से डिसीज है और डिस्क्लोज करके पॉलिसी लेते हैं, तो सिर्फ 2 साल का वेटिंग पीरियड है, जो कि जनरली काफ़ी कम है और काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि मैंने बताया कि 50 साल से लेके 100 साल 150 साल की भी किसी की एज है तो पॉलिसी ले सकते हैं। 65 साल तक किसी ने भी पॉलिसी ली है, किसी भी 50 से 65 की एज में, तो 100% कैशलेस रहेगा लाइफ लॉन्ग। लेकिन अगर कोई पर्सन 66 साल से लेके 100 साल के बीच में कोई भी एज पे पॉलिसी लेगा, तो 20% कोपेमेंट लगेगा स्पेसिफिक उस पर्सन के लिए, इसका आपको खास ध्यान रखना है। और बेस्ट पार्ट, कंज्यूमेबल चार्जेस इसमें कवर्ड है, जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं पे करना है। इनबिल्ट राइडर है, यानी कि 100% कैशलेस पॉलिसी है 65 साल तक के लोगों के लिए, और अगर उससे ऊपर के लोग लेंगे तो 80% जेन्युइनली कैशलेस पॉलिसी है विदाउट एनी सब लिमिट्स। आगे बात कर ले, रोड एम्बुलेंस की बात कर ले, तो यहाँ पर रोड एम्बुलेंस एक्चुअल बेसिस पे कवर है दोस्तों, कोई किस तरह की कोई सब लिमिट्स नहीं है। एयर एम्बुलेंस की बात कर लें, वो भी कवर्ड है 2.5 लाख और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम कवरेज यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, आईयूएस ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में कवर्ड है, जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर दिया गया है। जनरली पहले लिमिट्स हुआ करती थी अदर प्लान्स के अंदर स्टार के, अब आयुष ट्रीटमेंट की कोई सब लिमिट्स नहीं है, ये बढ़िया और अच्छा फीचर डाला है। नेक्स्ट बात कर ले मॉडर्न ट्रीटमेंट की, जो कि आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गया और ओरल थेरेपी वगैरह हो गया, यहाँ पर फ्लैट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 50% ऑफ सम इंश्योर्ड, जितने का भी सम इंश्योर्ड लिया है फ्लैट 50% तक आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर यहाँ पर आप लोगों के लिए खोला है। आगे बात कर लें बैरिएट्रिक सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों, कि अगर कोई एक्स्ट्रा फैटी लोग होते हैं और अपना स्लिम फिट कराना चाहते हैं ऑन डॉक्टर रिकमेंडेशन पे, तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा,
5 से 10 लाख की पॉलिसी, सॉरी 10 से 20 लाख की पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपए तक का लिमिट रहेगा, और 30 लाख से 1 करोड़ पॉलिसी है तो 5 लाख रुपए तक का बैरेटिक सर्जरी का एक्सपेंस इसमें यूज कर सकते हैं। जनरल शानदार और बढ़िया फीचर है। कम्युनिटी बोनस की बात कर ले दोस्तों, जिस साल भी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आएगा उस साल कंपनी बोनस देगी। एवरी ईयर 20% बोनस है और मैक्सिमम 100% तक ये जाएगा। जिस साल भी क्लेम नहीं आएगा 20% आपकी पॉलिसी इंक्रीज होती जाएगी। 10 लाख की पॉलिसी लिया है, क्लेम नहीं आया, अगले साल 2 लाख जुड़ जाएगा, 12 लाख की हो जाएगी। सेकेंड ईयर में क्लेम नहीं आया, 14 लाख की हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके 2-2 लाख रुपये आपका इंक्रीज होता रहेगा जब तक 100% बढ़ नहीं जाता। बढ़िया और शानदार फीचर है। नेक्स्ट बात कर ले, पॉलिसी में इनबिल्ट हेल्थ चेकअप्स अवेलेबल है। इंडिविजुअल के लिए भी लिमिट्स हैं और फैमिली फ्लोटर के लिए भी, जब आप सब इंश्योर चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। इंडिविजुअल के लिए बात कर ले, 10 लाख की पॉलिसी में 3,000, फैमिली फ्लोटर की बात करें तो 4,000 रुपये तक के आप हेल्थ चेकअप यूज कर सकते हैं। 10 लाख का मैंने एग्जाम्पल दिया है, अदर सब इंश्योर देखेंगे तो वैसे भी यूज कर सकते हैं। ओपीडी भी पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट कवर है, ओपीडी के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, पहले दिन से कवर है। इंडिविजुअल लेते हैं 10 लाख की पॉलिसी तो 3,000 रुपये की ओपीडी फ्री है, फ्लोटर लेते हैं तो 4,000 फ्री है। ऐसे ही अगर कोई 30 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो 4,500 इंडिविजुअल के लिए और फ्लोटर के लिए 6,500 रुपये का ओपीडी आप पॉलिसी में पहले दिन से यूज कर सकते हैं। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर। एक और स्पेशल फीचर यहाँ दिया गया है, दैट इज कॉल्ड हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर का मतलब होता है दोस्तों, जब डॉक्टर आपको जवाब दे देता है किसी बड़ी बीमारी की वजह से, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं है, आप इनको घर ले जाइए या अपना टेकिंग केयर कीजिए, भगवान भरोसे जिसे बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर एक हॉस्पाइस केयर का डिपार्टमेंट अलग से होता है, जहाँ पर ऐसे पेशेंटों को रखा जाता है जिनकी बचने की आपको उम्मीद नहीं है। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 2 दिन 1 महीने के लिए ही डॉक्टर ने टाइम दिया होता है, इतने टाइम तक ही वो चलने होते हैं, खुद से काफ़ी नहीं सकते, खुद से टॉयलेट वगैरह नहीं जा सकते, उन सब चीज़ों का टेकिंग केयर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होता है जिसे हॉस्पाइस केयर बोलते हैं। वहाँ पर नॉर्मल ट्रीटमेंट ना होके सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट होता है जिसकी ज़रूरत होती है वो चल रहा होता है, तो वो भी पॉलिसी में कवर है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड के लिए। जितने का भी आपने सम इंश्योर्ड लिया है उसका 10% तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसका इनिशियल 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, 2 साल के बाद हॉस्पाइस केयर कवर है। नेक्स्ट होम केयर ट्रीटमेंट कवर है पॉलिसी के अंदर, 10% ऑफ ट्रीटमेंट, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। और होम केयर ट्रीटमेंट, अगर कोई होम क्वारंटाइन होने की जरूरत पड़ती है, घर में ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ती है, तो मिनिमम 3 दिन से ज़्यादा ट्रीटमेंट होना चाहिए, डॉक्टर की रिकमेंडेशन भी होना चाहिए, वो भी पॉलिसी में कवर रहेगा। आगे बात करूँ, लॉन्ग टर्म डिस्काउंट अवेलेबल है। यहाँ पॉलिसी 2 साल और 3 साल के लिए ली जा सकती है। सेकेंड ईयर का पॉलिसी लेते हैं, 2 साल का इकट्ठा लेते हैं तो सेकेंड ईयर प्रीमियम में 10% डिस्काउंट है, और अगर 3 साल का पॉलिसी इकट्ठा लेते हैं तो सेकेंड और थर्ड ईयर दोनों साल के प्रीमियम में 11.25% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि जनरली अच्छा और बढ़िया है। आगे बात कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, यहाँ पर फ्लोटर का एक स्पेशल डिस्काउंट है। अगर वाइफ 50 साल से कम है या स्पाउस, हस्बैंड भी 50 साल से कम है और वाइफ 50 साल से ज़्यादा है, तो जो भी छोटा है उसके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर पॉलिसी फ्लोटर लेते हैं। और 50 साल से ऊपर है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों ऊपर है, एक 52 साल के एक 50 साल के, तो जो छोटे हैं जे उस पर 40% का डिस्काउंट अलग है। 40% का डिस्काउंट फॉर सेकेंड पर्सन मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो एज 50 साल से ऊपर है, हस्बैंड वाइफ पॉलिसी ले रहे हैं तो सेकेंड पर्सन के प्रीमियम पे 40% डिस्काउंट मिलता है, और 50 साल से कम है तो 10% भी मिलेगा और 40% डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से 50% तक डिस्काउंट चला जाएगा, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है अगर फ्लोटर ऑप्शन लेते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड जो मैंने आपको शुरू में बताया, 30 दिन का नॉर्मल वेटिंग पीरियड होता है जब भी कोई आप नई पॉलिसी लेते हैं। एक्सीडेंट पहले दिन से कवर रहता है, स्पेसिफिक डिसीज 2 साल के बाद कवर, ऑपरेशन नीड से बोलते हैं, और पुरानी बीमारी 2 साल के बाद, बैरेटिक सर्जरी 2 साल के बाद वेटिंग पीरियड इसमें रहेगा। हॉस्पाइस केयर भी 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ पोर्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें किसी भी एज में पोर्टेबिलिटी अलाउड है। बहुत सारे लोगों ने सीनियर सिटीजन कैपिंग वाले प्लान ले रखे होते हैं अलग अलग कंपनीज के, वो सारे लोग भी इस पॉलिसीज में आराम से पोर्ट कर सकते हैं विदाउट टेंशन फ्री। 65 साल तक पोर्ट करते हैं तो 100% कैशलेस रहेगा, 65 के बाद पोर्ट करते हैं तो ओनली जो वेटिंग पीरियड है उससे वही लगेगा और जितने साल की उसमें चली हुई पॉलिसी है। अगर 65 में आपने किसी भी कंपनी में पॉलिसी ले ली थी और यहाँ 70 साल की एज में पोर्टेबिलिटी करेंगे तो कोई कोपेमेंट नहीं लगेगा। यहाँ पर पॉलिसी देखी जाती है आपने कौन से एज में स्टार्ट करी। अगर वो 65 की एज, 66 की एज से पहले कभी भी स्टार्ट कर ली है और वहाँ से शिफ्ट करके हमारे पास आ रहे हैं तो 100% कैशलेस रहेगा लाइफ लॉन्ग बेसिस पे। फिर भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज लेना है, कुछ बात करना है, पॉलिसी लेनी है, पॉलिसी पोर्ट करानी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।